नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो फैंटम एक्स वर्सेस मोटो जी 82 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो फैंटम एक्स में 6.44 इंच जबकि जी 82 5G में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि फैंटम एक्स से कम है। विड्थ की बात करें तो फैंटम एक्स में 2.9 इंच जबकि जी 82 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो फैंटम एक्स में 0.34 इंच जबकि जी 82 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो फैंटम एक्स में 201 ग्राम्स जबकि जी 82 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो फैंटम एक्स में सुपर AMOLED जबकि जी 82 5G में की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो फैंटम एक्स में 19:5:9 जबकि जी 82 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो फैंटम एक्स में 6.7 इंचेस जबकि जी 82 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन फैंटम एक्स में 1080x2340 और जी 82 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फैंटम एक्स में 91.25% जबकि जी 82 5G में 87.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो फैंटम एक्स में 385 पिक्सल प्रति इंच जबकि जी 82 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो फैंटम एक्स में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और जी 82 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो फैंटम एक्स में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और जी 82 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो फैंटम एक्स में माली G76MC4 जबकि जी 82 5G में एड्रीनो 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो फैंटम एक्स में मीडियाटेक हीलियो G95 और जी 82 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 मिलता है। बात करें रैम की तो फैंटम एक्स में 8GB की रैम मिलती है, जबकि जी 82 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो फैंटम एक्स में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि जी 82 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो फैंटम एक्स में अप टू 512GB जबकि जी 82 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फैंटम एक्स में एंड्रॉइड V11 जबकि जी 82 5G में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी फैंटम एक्स में 4700mAh जबकि जी 82 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो फैंटम एक्स में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें G82 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,499 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो फैंटम एक्स में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो G82 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में फैंटम एक्स आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G82 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro 5G है, दूसरा Motorola Edge 20 Pro है, तीसरा Xiaomi Mi 11T Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9RT है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।